हे गाइस, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ माय वे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको आज बताने वाली हूँ हिना मेहंदी को कैसे एक थिक फॉर्म में लाया जाए जिससे हमारे बाल कलरफुल हो, एंड क्या क्या इंग्रेडिएंट मैंने मिलाए हैं इसके अंदर जिससे ब्यूटीफुल सा ब्राउनिश सा कलर आए, एंड क्या प्रोसीजर है इसको लगाने का, कौन सा तरीका है, एंड मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं, वो सब मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह मंगाए थे, जो भी मैंने शॉपिंग करी थी उसमें आपको मैंने ये मेहंदी दिखाई थी, तो मैं ये मेहंदी यूज़ कर रही हूँ एंड इसका रिज़ल्ट आपको बताऊँगी कैसा है। एंड ये मेहंदी VLCC की मेहंदी है, सो मैंने यूज़ करी है। देन मैं यहाँ मेहंदी घोलने के लिए पानी यूज़ कर रही हूँ, एक गिलास पानी लिया है मैंने, एंड मैं इसमें बॉयल आने दूँगी। देन मैं इसके अंदर एक टेबल स्पून चाय पत्ती डालती हूँ, जो नॉर्मली जो आप यूज़ करते हैं घर में, एंड इसे 5 मिनट के लिए उबाल लूँगी अच्छे से, देन इसे छान लूँगी। पूरा एक गिलास लिया है मैंने, इसी से मैं अपना पेस्ट रेडी करूँगी। एंड मैं अपना मेहंदी का पैकेट डाल रही हूँ, एंड ये 120 ग्राम का पैकेट है, एंड मैंने लगभग 100 ग्राम लिया है, थोड़ा सा बचा लिया था क्योंकि मुझे इसके अंदर और भी इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। सो यहाँ पर मैंने, देख सकते हैं आप, लोहे की कढ़ाई में ये मेहंदी घोली है, एंड लोहे की कढ़ाई बहुत ही अच्छा होता है, मेहंदी अपना कलर अच्छे से देती है, इसलिए मैं यहाँ पर ये लोहे की कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। एंड मैं धीरे धीरे इसके अंदर पानी ऐड करती जाऊँगी चाय पत्ती का, जो मैंने अभी बनाया था आपके सामने, एंड एक थिक सा पेस्ट रेडी करूँगी। धीरे धीरे आप पानी ऐड करके इसको घोलते जाइए तो ये स्मूथली बन जाता है, एंड इसकी गांठें हैं वो अच्छे से करते जाइए, एंड ये एक थिक पेस्ट बन जाएगा। मैं इसके इंग्रेडिएंट हीना मेहंदी के बारे में बताना चाहती हूँ। कुछ हीना एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारे बालों को काफ़ी नरिश करता है एंड डीप कंडीशनिंग करता है, एंड आपके जड़ों से ये कंडीशनिंग करता है, क्योंकि जो कंडीशनर होते हैं वो हम स्कैल्प लेंथ से अप्लाई नहीं करते हैं, उसको छोड़ के यूज़ करते हैं, बट ये हीना मेहंदी हम स्कैल्प से अप्लाई करते हैं तो हमें डीप कंडीशनिंग मिलती है मेहंदी यूज़ करने से, जो भी हमारे जड़ों में रफनेस सी होती है वो सब मिल जाता है। एंड मैं धीरे धीरे पानी ऐड कर रही हूँ, एंड जो भी इसमें गांठे हैं वो अच्छे से क्लियर कर लूँगी मैं। एक स्मूथ सा थिक सा पेस्ट बनाना है आपको, एंड आप देख सकते हैं एकदम स्मूथली ये पेस्ट बन गया है। अब मैं इसे ओवरनाइट के लिए रख दूंगी, क्योंकि हीना मेहंदी जो हीना होता है वो अपना रंग लाने में टाइम लगाता है, उसका रंग आने में टाइम लगता है, इसलिए मैं एक रात के लिए इसको छोड़ दूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इसे अप्लाई करके दिखाऊंगी कि मैंने इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट मिक्स करे हैं। सो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने इसे ओपन करा है, जैसे आप देख सकते हैं पूरी रात मैंने इसे छोड़ दिया था, ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, सो इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी ऐड करूँगी ताकि थोड़ा इसका ये रनिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए, एंड इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एंड इसमें मैंने कुछ इंग्रेडिएंट और ऐड करे हैं ताकि वो हमारे बालों को अच्छा वर्क करे, सो मैं वो आपको बता देती हूँ क्या क्या मैं इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ। एंड इसको अच्छे से घोल लीजिए, देन इसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, बस थोड़े इंग्रेडिएंट डालूँगी फिर मैं पानी ऐड नहीं करूँगी, ये और थिक हो जाएगा जब मैं इसमें और सारे इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी। सो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या ऐड कर रही हूँ। ये है कत्था पाउडर एल्स गुडनेस का, एंड ये है नीम पाउडर। सो मैं बता देती हूँ, नीम पाउडर मैंने यूज़ करा है, एंटी डैंड्रफ एंटी बैक्टीरियल होता है ये, काफ़ी बहुत ही अच्छा होता है, स्कैल्प में ईचिंगनेस होती है वो सब एंड डैंड्रफ भी क्लियर हो जाएगा। एंड ये है कत्था
जो पान में यूज़ करते हैं उसका पाउडर है, कत्था पाउडर एल्फ गुडनेस का ही, एंड ये कलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। मैं अभी क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं यूज़ कर चुकी हूँ इसको। एंड मैं कितनी क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ वो सब मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने नीम पाउडर 1 से 1.5 चम्मच यूज़ करा है, पूरा अच्छे से टेबल स्पून यूज़ करी है मैंने यहाँ पर। देन मैंने यहाँ पर कत्था पाउडर 1 टेबल स्पून यूज़ करा है। देन मैं इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। दोनों ही इंग्रेडिएंट बहुत ही अच्छे हैं, एंड दोनों ही इंग्रेडिएंट आप मिक्स करके अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं, एंड हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि लोगों की मेहंदी लगाने की अपनी अपनी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। कई लोग बालों को डाई करने के लिए, कई लोग कलर करने के लिए, एंड जो भी वाइट एंड ग्रे बाल हो जाते हैं उनको कलर करने के लिए यूज़ करते हैं, कंडीशनिंग के लिए यूज़ करते हैं, डीप कंडीशनिंग के लिए यूज़ करते हैं, अपनी रफनेस को ख़त्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड स्प्लिट हो जाते हैं, दो मुँह बाल हो जाते हैं उनको भी ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। सो एंड अपने बालों को हेल्दी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा मेरे चैनल को, एंड ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।